हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के गृह जिले महेंद्रगढ़ के बूथ नंबर 120 पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है। वोटर्स ने शोर मचाया है। कारण जो बताया गया है, ईवीएम में खराबी बताया गया है, एरर बताया गया है, जिसके चलते वोटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। महेंद्रगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुशील, क्या जानकारी है ईवीएम मशीन खराब हो जाने को लेकर? महेंद्रगढ़ के बूथ नंबर 120 पर ईवीएम मशीन में एरर आ गया था, जिसकी वजह से वोटिंग शुरू नहीं हो पाई थी। तो कतार में खड़े मतदाताओं ने काफी शोर मचाया। उन्होंने कहा कि वो घंटों से कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन मतदान शुरू नहीं हुआ। लेकिन सुपरवाइजर ने वहां पे इस मशीन को रिसेट करवाया, दोबारा से सील करा के मतदान शुरू करवा दिया। चलो, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सुपरिटेंडेंट जो है सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। ईवीएम में जो खराबी थी उसको दूर कर दिया गया। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महेंद्रगढ़ के बूथ नंबर 120 की जानकारी थी। इसके अलावा रानिया से भी ऐसी ही खबरें सामने आई है, बारडा से भी ऐसी ही जानकारी मिल पाई है। ईवीएम में खराबी के चलते वोटिंग की जो प्रक्रिया है अभी तक बाधित हुई है। हालांकि महेंद्रगढ़ की बात करें, यहां देरी से ही सही वोटिंग शुरू करवा दी गई है। इसके अलावा पंचकुला से भी आपको जानकारी दी, बूथ नंबर 73 पर ईवीएम के खराब होने की सूचना पंचकुला से भी मिली।